ये देखिए। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं त्रिलोकपुर से कोटला की तरफ, तो अभी हम जा रहे हैं कोटला फोर्ट। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइस फोर्ट और मंदिर हम बाद में जाएंगे, पहले खाना खा लेंगे कुछ यहाँ पे, क्योंकि टाइम भी हो गया और काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी है। तो चलिए खाना खाते हैं हम, फिर आगे का सफ़र तय करेंगे अपना, मंदिर का और फोर्ट का। तो गाइस अभी हम लंच कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं मंदिर और फोर्ट। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको मंदिर और फोर्ट दिखाएंगे। चलिए ठीक है फिर। तो गाइस पहुंच चुके हैं अब यहाँ पे नीचे ग्राउंड में कोटला में, और ये जो रास्ता है सामने, ये ब्रिज जैसा है, ये जाता है मंदिर और फोर्ट दोनों के लिए। तो चलिए अब यहाँ से करेंगे अपना ब्लॉग स्टार्ट हम। तो यहाँ पे ऊपर जो है माता बगलामुखी का मंदिर है और उसके ऊपर फोर्ट है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये घोड़े खड़े हुए हैं, और अब ऊपर से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे हम अपना। तो गाइस यहाँ से पूरा ग्राउंड दिख रहा है, देखिए ये देखिए, और इस तरफ नदी है, ये नदी जा रही है इस तरफ, और ये रास्ता चला गया ऊपर मंदिर और फोर्ट दोनों के लिए। चलिए आगे चलते हैं अब। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे, और ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है चलने से, और ये नीचे देखिए नदी और उस तरफ व्यू, काफ़ी ज़्यादा बंदर हैं यहाँ पे अगर आपको दिख रहे हो तो। ये देखिए नदी और यहाँ पे शायद लोग रहते हैं नीचे, और चलिए आगे चलते हैं अब ऊपर की तरफ चलेंगे हम यहाँ से सीधे। तो गाइस यहाँ से जो है वो पूरा कोटला दिखता है ऑलमोस्ट, मार्केट भी और जो गांव वगैरह है वो भी पूरा दिखता है यहाँ से, और ये सामने की तरफ ब्रिज है, और ये जो है पुराना वाला ब्रिज जो आपको दिख रहा है, ये 1901 में बनाया गया था। ये देखिए, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। ये देखिए गाइस बंदर किस तरह जा रहे हैं पानी में नीचे, किस तरह भाग रहे हैं देखिए, ये देखिए। बहुत अच्छा व्यू है सामने की तरफ भी, देख लीजिए एक बार। तो आइए चलिए आगे चलते हैं अब। तो ये यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं मंदिर के लिए ऊपर, यहाँ से स्टार्ट है सीढ़ियाँ ऊपर के लिए। तो गाइस ये फर्स्ट गेट है, और सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्टेप्स बनाए गए हैं, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हालत खस्ता हो चुकी है, अभी आगे तो और भी ज़्यादा है। देख लीजिए गाइस, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब तो बनता ही है। और ये देखिए दीवारें, ये शायद किले की दीवारें हैं जो कि ध्वस्त हो चुकी हैं, और ये है गेट किले का, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चित्रकारी की है यहाँ पे किसी ने, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और ये पूरा गेट है, एक बार ऊपर से भी दिखा दूंगा मैं आपको इसको, ये देखिए, और उस तरफ सीढ़ियाँ। चलिए अब हम आपसे मंदिर में मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, इनको पढ़ लें, और जब भी आप इस टेंपल में आएँ, इस फोर्ट में आएँ, तो प्लीज़ इन गाइडलाइंस को फॉलो करें, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ है देखिए मंदिर माता बगलामुखी का। तो चलिए अब मंदिर में चलेंगे पहले। तो गाइस
अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो मंदिर है वो राजा रामचंद्र गुलेरिया द्वारा बनाया गया था 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में। और जो माता बगलामुखी हैं वो गुलेरिया वंश की कुलदेव देवी रही हैं, इसलिए यहाँ पे उनका मंदिर मौजूद है। ये देखिए, चलिए आके आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। आप तो ये है गाइस मंदिर माता बगलामुखी का, एक बार अंदर से दर्शन करवा दें आपको। ये देखिए, जय माता बगलामुखी, आप ही दर्शन कर लीजिए यहाँ पे मंदिर में। काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर मंदिर है ये माता का।